हरे कृष्णा राधे राधे। आज आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी है, बहुत आसान और अचूक उपाय बताती हूँ जिन्हें करने से हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है। इन्हें करने से आप अपने जीवन में खुद से बहुत परिवर्तन देखेंगे। स्पेशली एक उपाय बता रही हूँ कर्जे से मुक्ति के लिए, तो वो तो बहुत ही प्रभावकारी उपाय है। आप अपनी सुविधा अनुसार इन उपायों में से सभी या कोई एक दो उपाय कर सकते हैं। निर्जला एकादशी को पूरे वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में सबसे बड़ा और महान बताया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा अगली वीडियो में बताऊंगी। मैं शुरू करती हूँ पहला उपाय। देखो, जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ, निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने से और जरूरतमंद लोगों को फल, अन्न, जूते, छतरी और शरबत आदि का दान करने से मन की इच्छा पूरी होती है। साथ ही हमारे सभी पापों का नाश होता है। साल की सभी एकादशियों का व्रत करने का फल मिलता है। इसी के साथ हम परमा लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। इसलिए व्रत जरूर करें और विधान से करें। अगर आपका कहीं धन रुका हुआ है, मतलब किसी को धन देना है और वो वापस दे नहीं रहा, आप चाहते हो कि और या फिर आप चाहते हो कि आपके पास धन धान्य हो जाए, तो एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। एक आसन पर बैठ कर एक चकोर भोज पत्र लें, उस पर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायणाय ये मंत्र 3 बार लिखें। आप लिखने के लिए तिल्ली पर रुई लपेटकर या जो ईयरबड होता है कान के लिए यूज करते हैं उसका प्रयोग कर सकते हो। फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। पाठ के बाद ये भोजपत्र अपने पर्स या पॉकेट में रखें। अगर आपको पता नहीं है कि भोजपत्र क्या होता है तो बता दूं, भोजपत्र भोज नामक वृक्ष की छाल है। ये कोई पत्ता नहीं है, कई लोग सोचते हैं ये कोई पत्ता है वृक्ष का। भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष है जो कम से कम 4,000-4,500 तक की ऊंचाई तक उगता है। इतना लंबा वृक्ष होता है। इसकी छाल सफेद रंग की होती है जो पुराने समय से ही ग्रंथों की रचना आदि के लिए प्रयोग में लाई जाती है। भोजपत्र पहले तो पूजा पाठ का सामान जहां मिलता है उन दुकानों पे बड़ी आसानी से मिल जाता था, पर आजकल थोड़ा मुश्किल से मिलता है क्योंकि ज्यादातर लोग दुकानों पे नहीं रखते, पर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। एक और बहुत कल्याणकारी उपाय बताती हूँ। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। जाप के बाद गुलाब या आम के शरबत का भोग भगवान विष्णु को लगाओ और उसको जरूरतमंद लोगों में बांटो। ऐसा करने से हमारी मन की इच्छा पूरी होती है और पारिवारिक कलह कलेश खत्म होते हैं। एक और उपाय बताती हूँ। जो लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं या जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए एक बहुत ही अचूक उपाय है। निर्जला एकादशी के दिन 1100 बार तुलसी या मोती की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। इससे शक्तिशाली संतान उत्पन्न होती है। एकादशी व्रत में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का एक बहुत ही आसान उपाय है और यह हमें हर एकादशी पे करना चाहिए। सुबह एकादशी की पूजा करें, फिर स्त्रियां अपने पति, सास, ससुर, गुरु महाराज के पैर छुए, अगर रविवार नहीं है तो पीपल में जल दे और दीप अर्पित करें। इसी तरह अगर पुरुष व्रत कर रहे हैं तो पूजा के बाद अपने माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श करें। उसके बाद अगर रविवार नहीं है तो पीपल की पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी साधक पे बहुत प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बरसाती है। अगर आप अपने कर्जों से मुक्ति चाहते हो तो निर्जला एकादशी वाले दिन रविवार ना हो तो एक पीपल का लोटा लें, उसमें तिल और रोली डालें और पीपल पर इस जल को चढ़ाएं। साथ ही देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद हाथ जोड़ के भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो आपके कर्जों से आपको मुक्ति दे। इस दिन आप नमक का दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि नमक का दान करने से बुरा समय दूर हो जाता है, घर में भोजन की कमी नहीं होती। तिल का दान करें। तिल का दान करने से शक्ति मिलती है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हो तो इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। मृत्यु का भय दूर होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती। कपड़े दान करें। कपड़े दान करने से आपको लंबी आयु मिलेगी, इसके साथ ही आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अनाज का दान करें, इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। ये बहुत ही सरल और अचूक उपाय हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।